अब जो है सारा मटन इसमें एक साथ जाने वाला है अंदर। तो यहाँ बन रहा है लगभग 15 किलो मटन स्टू, और इस एरिया का ये सबसे पॉपुलर शॉप है, सबसे ज़्यादा जो डिमांड है मटन का वो इसी शॉप में रहता है। मटन तैयार हो गया है, हम ऊपर से डाला कसूरी मेथी। 12-14 साल हो गया। मटन खाते हैं कि नहीं? मटन उतना नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? खाते हैं मटन, एक टाइम खाते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज का चुस्ता लग रहा है, इंदौर हो गया। तो आज हम लोग वापस से उस एरिया में आए हैं जिस एरिया का व्लॉग बहुत कम डाले हैं। बहुत लोग बोला करते थे कुछ कुर्जी साइड, कुछ PNM मॉल साइड, कुछ पाटलिपुत्रा साइड दिखाइए, खाली आप गोला रोड पे आजकल ध्यान दे रहे हैं। तो बस आज आ चुके हैं पाटलिपुत्रा में, और पाटलिपुत्रा में हम लोग हैं, PNM मॉल है, PNM मॉल है, होटल द पाइन है। उस होटल द पाइन का भी व्लॉग बहुत पहले बनाए थे, और उसके बिल्कुल सामने में है एक चंपारण मीट हाउस। इस जगह का वीडियो जो है वो आज से 2-2.5 साल पहले हम इंस्टाग्राम पर डाले थे, और यूट्यूब पर भी होगा, आप बहुत ओल्ड वीडियोस में जाइएगा, कोशिश करेंगे हम खोजने का, अगर मिल गया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो यूट्यूब पर भी जो है इस जगह का वीडियो मेरा है, बस आए थे टेस्ट किए थे और वो दिखाए थे। बट आज आए हैं, उस वक्त का जो ज़माना है वो अलग हुआ करता था, उस वक्त हमारा स्टाइल अलग हुआ करता था, अभी का स्टाइल बदल चुका है, अभी हम लोग मेकिंग पर फोकस करते हैं। तो आज जो आए हैं मेकिंग दिखाने के, देसी स्टाइल में बनाया जाता है, इनका जो टैगलाइन है वो भी है देसी स्वाद और देसी अंदाज, और यही हमारा भी अंदाज है। तो आज के इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और सारा मटन स्टू का जो मेकिंग है वो अब आपको शुरू से दिखाते हैं। मॉर्निंग में ही हम लोग आए हुए हैं और सारा जो रेसिपी है ये शूट किए हैं, लोकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप सीधे यहाँ पहुँच जाइएगा। तो इधर देख सकते हैं कि ये हांडी जो है ये सेट हो चुका है, और इसी में बनता है जो तेल है जाएगा इस हांडी में। तो ये जो हांडी का आप साइज देख रहे हैं, इसी में, इसी बड़े से हांडी में सारा मटन का जो प्रिपरेशन है, जो स्टू मटन का प्रिपरेशन है वो होता है। तो 15 किलो मटन जो है वो यहाँ बनने वाला है, और लगभग इस तरह से 3 पैकेट तेल डाला गया, और बगल में देख सकते हैं कि फोरन का तैयारी भी चल रहा है। तेल जो है वो गर्म हो चुका है, तेल अब गर्म हो गया है, इसके बाद मीट का फोरन डाला रहा है। ठीक है, तो फोरन जो है वो लगाया जा रहा है, जीरा था, तेज पत्ता था और लाल मिर्च। और एक चीज़ और देखे हैं कि तेल को पूरा गर्म किया गया, लगभग 15 मिनट तक तेल को गर्म किए हैं, पूरा झास जो है उसका वो निकाले हैं, तब फोरन लगाया गया। ये आ गया कूटा हुआ लहसुन, कूटा हुआ लहसुन है मीट का, ये गया कूटा हुआ लहसुन, आ गया प्याज। कितना प्याज डाले हैं? लगभग 10 किलो है। 10 किलो, 15 किलो मटन के लिए 10 किलो प्याज। आधा केजी डलाएगा, आधा केजी नमक, 10 किलो प्याज, आधा किलो जाएगा लगभग नमक। कितना देर में भैया बन जाता है पूरा मटन स्टू? 1.25 घंटा। 1.25 घंटे में पूरा तैयार? तैयार हो जाएगा। आपका स्पीड भी देख रहे हैं कि बहुत फास्ट आप काम करते हैं। इस तरह से पानी डाला जाता है ताकि प्याज जो है वो सटे नहीं, और प्याज को जो गलाने का प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जा रहा है, इसे इस तरह से कवर करके रख देना है। नेक्स्ट भैया, इधर मटन आ चुका आपका? मटन आ गया है। कितना? 15 किलो मटन है। 15 किलो मटन है। मटन कहाँ से मंगवाते हैं? हाई कोर्ट से आता है। हाई कोर्ट से मटन का पीस का साइज भी आपका बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। बड़ा रहता है। तो हांडी और स्टू दोनों में सेम जाता है कि हांडी में अलग? हांडी वाला छोटा पीस रहता है, हांडी वाला छोटा पीस रहता है, मटन बड़ा पीस रहता है। अच्छा, स्टू का हो गया बड़ा पीस, स्टू वाला बड़ा पीस रहता है। 70-80 ग्राम के आसपास का पीस है। 80 ग्राम है। ये हो गया 15 किलो। और बाकी मटन जो है वो इधर था, ये आ गया। इसमें आप लोग वो नहीं देते हैं, मतलब चुस्ता उस्ता ये सब नहीं देते हैं? सब आता है, सब रहता है। अच्छा, वो अलग से इधर है, ये सब अलग से। कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज का चुस्ता लग रहा है, इंदौर हो गया। ये सब अलग से लेते हैं आप लोग? सब अलग से आता है। पहले इसमें मटन डालते हैं फिर मसाला डालते हैं? पहले मटन डाला जाएगा। अच्छा, उसके बाद मसाला डलाएगा। 15 किलो मटन जो है ये रखा हुआ है, और अब इसमें मटन डलना स्टार्ट हो चुका है। तो मटन को कितना देर गलाते हैं मसाला डालने से पहले?
20 मिनट जो है सारा मटन इसमें एक साथ जाने वाला है अंदर। तो यहाँ बन रहा है लगभग 15 किलो मटन स्टू, और इस एरिया का ये सबसे पॉपुलर शॉप है, सबसे ज़्यादा जो डिमांड है मटन का वो इसी शॉप में रहता है। नेक्स्ट इसे लगभग 20-25 मिनट 30 मिनट तक गलाते हैं मटन को, प्रॉपर टाइम देते हैं पकने का, और उसके बाद जो है फिर मसाला डाल के मसाले को भुना जाएगा। पका रहा है उसमें डलाएगा, पहले इसको बॉईल कर लिया, अब काट रहा है। हो गया, धोया गया, अब उसको कटाएगा फिर डलाएगा उसमें। पानी में कुछ हल्दी वल्दी भी डालते हैं कि सीधे बस पानी है? नमक, नमक पानी है। तो लगभग 40-45 मिनट का समय जो है वो बीत चुका है, और अब जो है इसमें चुस्ता पहले ही डाल दिया गया था, अब ये जो लड़ का कटिंग हुआ था अब उस लड़ को डाला गया। मसाला जो है वो अभी तक नहीं डाला गया, मसाला आप देख सकते हैं कलर एकदम, सिर्फ तेल है, लहसुन है और प्याज है और मटन है बस। मसाला भैया कब डालिएगा? 5-7 मिनट में डलाएगा। 5-7 मिनट में डलाने वाला है। ये क्या डाले? सबसे पहले गोलकी, नेक्स्ट जाएगा अब इसमें गरम मसाला है। सबसे पहले गया गोलकी, उसके बाद गया गरम मसाला। आमतौर पर गरम मसाला हम लोग लास्ट में देखते हैं, बट यहाँ गरम मसाला पहले ही डाला। अब थोड़ा सा चलाया जाएगा, उसके बाद चला दिया जाएगा। अब जाएगा हल्दी, उसके बाद हल्दी डलाएगा। हर मसाले को डालने के बाद थोड़ा सा पहले मिक्स किया जा रहा है, भुना जा रहा है, उसके बाद जो अगला मसाला है वो डाला जा रहा है। डालिएगा लाल मिर्च, भूखा मर्चा है। ये सब मसाला कहाँ से, मतलब बाहर से मंगवाते हैं पिसवा के? पिसवा कर मंगाते हैं, हाँ, दलदली से, हाई कोर्ट से आता है। अच्छा, मटन भी हाई कोर्ट से, मसाला भी हाई कोर्ट से। तो सारा मसाला जो है लगभग डाल दिया गया। अच्छा, धनिया नहीं डाले हैं? धनिया नहीं डालते, धनिया आप लोग नहीं डालते हैं? तो धनिया भी नहीं डलता है यहाँ पर, और अदरक भी नहीं डलता, ये दोनों चीज़ देखें कि यहाँ नहीं डाला गया। और अब सारा मसाला को डालने के बाद इस तरह से कवर करके फिर इसे रख देना है। देख सकते हैं चर्बी का क्वांटिटी, मतलब इतने क्वांटिटी में चर्बी तो आप लोग अलग से लेते होंगे सारा? चर्बी अलग से आता है, हर प्लेट में चर्बी जाता है? हर प्लेट में जाएगा, उसके बाद कम हो जाएगा तो नहीं दिलाएगा। जब तक स्टॉक है तब तक दिलाएगा जी। चर्बी डालने से थोड़ा स्वाद भी बढ़ जाता होगा, चर्बी से लाइट आ जाता है, लाल लाल जो ऊपर पूरा रंगत है वो चर्बी से आता है जी। अच्छा, अब गया ऊपर से ये चर्बी, और बहुत सही सा मटन, सब खुशबू भी आना शुरू हो चुका है, मसाला वसाला डला है, बहुत सही खुशबू आ रहा है। इसके पहले भी आ रहा था बट वो सिर्फ मटन का अपना फ्लेवर था, अब जो है मसाले के साथ कम्बाइंड होकर जो मटन का खुशबू आ रहा है वो लाजवाब है। अब कितना समय भैया और लगेगा? पौन घंटा लगेगा। अच्छा, पौन घंटा भी और लगने वाला है। हम लोग का हाई कोर्ट से था पहले, मतलब हाई कोर्ट में ये दुकान हुआ करता था, हाई कोर्ट में था, उसके बाद तारामंडल गया, तारामंडल के बाद उसके बाद पीजीएम तर गया था, हाँ, उसके बाद यहाँ आया। मतलब अलग अलग एरिया में पटना के घूम के अब फाइनली यहाँ आया है जी। वापस से इसे ढक के रख देना है, और अब जो है फिर से थोड़ा सा और चर्बी इसमें डाला जा रहा है, पहले भी डाला गया था, अब एक और लेयर जो है वो चर्बी का जा रहा है। इसे फिर से कवर करके छोड़ देना है, और 45 मिनट बोले थे उस वक्त, तो अब जो है लगभग 25 मिनट और बच रहा है। हेलो दादी, क्या जा रहा है भैया? कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च को लास्ट में डालते हैं। 14 साल हो गया, 14 साल से बस मटन बनाए हैं? मटन बनाते हैं और मटन खाते हैं, 12-14 साल हो गया। मटन खाते हैं कि नहीं? मटन उतना नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? खाते हैं मटन, एक टाइम खाते हैं दिन में, रोज़ एक टाइम खाते हैं। कोई कम हुआ कह रहे उतना नहीं खाते हैं? तो एक पीस हम लोग खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, रोज़ एक पीस खा लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चनपटिया, बेतिया एक तरफ, इसीलिए बोर्ड पे लिखा हुआ है बेतिया मोतिहारी का फेमस मटन मिलता है यहाँ जी। यहाँ सारा जो भी कारीगर लोग सब लोग बेतिया के हैं? सब बेतिया का है, बेतिया का है, चनपटिया का है, नरकटियागंज का है, सब नरकटियागंज बेतिया साइड के हैं। तो थोड़ा सा और जो है इंतज़ार करना है,
और इसको चलाने में जो मेहनत है ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये जब आप आके खुद चलाइएगा तब आपको रियलाइज़ होगा। 15-15 किलो अभी तो पानी डाल दिया थोड़ा इजी हो गया है, जब पानी नहीं डाले थे तब जो है असली मेहनत जो है इसमें लग रहा था। तो बस थोड़ा सा और वेट करते हैं, उसके बाद जो मटन है वो तैयार हो जाएगा, फिर खाएंगे। वैसे हम लोग को खाने में जितना मज़ा आता है, वीडियो बनाने में जितना मज़ा आता है, उतना ही मज़ा वीडियो इस चीज़ को बनते हुए देखने में भी आता है और बनाने में भी आता है। मटन तैयार हो गया है, हम ऊपर से डाला कसूरी मेथी, धनिया पत्ता का सिस्टम नहीं है, कसूरी मेथी का सिस्टम है, और ये डल गया कसूरी मेथी और बेहतरीन सा दिखने वाला ये मटन हो चुका है तैयार। बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली हमारा टाइम जो है वो आ चुका है। और भैया तैयार हो गया ये मटन? तैयार हो गया, तैयार हो गया मटन, तो बहुत सही लग रहा है आपका। इधर आ गया ये बहुमूल्य सा चुस्ता, क्योंकि बस एक ही चुस्ता है, एक ही चुस्ता है ना पूरे मटन में, एक ही चुस्ता है ना, एक ही चुस्ता है। चलिए, और बाकी जो है इधर हमारा फेवरेट पीस आ गया, और बाकी सारा पोर्शन जो है वो आपको मिलेगा ही इसमें। तो बस अब चलते हैं अंदर और टेस्ट करते हैं इस मटन को, और टेस्ट करके आपको जो स्वाद है वो बताते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अंदर, आके बैठ चुके हैं। लास्ट टाइम जिस टेबल पर बैठे थे अभी भी उसी टेबल पर, अंदर यही लास्ट टाइम सामने थे, अभी इस साइड आ चुके हैं। और ये है मेन्यू, मेन्यू का रेट वेट जो है वो देख लीजिए। मटन इंस टू 2 पीस प्लस हाफ जीरा राइस 180 रुपीज़ का, मटन इंस टू 2 पीस प्लस 4 पीस रोटी 180 का, यानी कि ये जो भी हम लोग लिए हैं 4 पीस रोटी है, मटन इंस टू है 2 पीस, ये 180 रुपीज़ का पैकेज है। साथ में हो गया सैलड वैलड, बेसिक का सैलड है, हरी मिर्च, खीरा और प्याज। ये है पीस का साइज़ नॉर्मल साइज़ है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, बस जो रहता है आमतौर पर वही साइज़ है, वही साइज़ का पीस है। कॉम्प्लीमेंट्री फैट वैट जो है हर जगह की भांति यहाँ भी फ्राई करते हैं रोटी को सामने। तो चूँकि चढ़ा हुआ था अभी जस्ट दिया गया है, तो बहुत सॉफ्ट का उम्मीद रखना सही भी नहीं है, मीडियम सॉफ्ट है। मटन है मसालेदार, तीखा भी है, तीखापन जो है वो भी आ रहा है, मतलब मसालेदार कैटेगरी का मटन है ये, वो वाला नहीं है कि हर कोई खाए हैं, जिनको कम मसाला उनको भी अच्छा, जिनको ज़्यादा मसाला उनको भी, उनके लिए भी अच्छा, ये उनके लिए है जो हम जैसे लोग हैं तो मसालेदार खोजते हैं, उनके लिए मटन मीडियम सॉफ्ट कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि मटन स्टू है वो चढ़ा रहता है तो थोड़ी देर के बाद सॉफ्ट हो जाएगा। टेस्ट अच्छा है, बढ़िया टेस्ट है, मसाला है, तेल है, और टेस्ट जो है अच्छा है। तो पटना, ये पाटलीपुत्रा साइड है, कुर्जी साइड है, मटन वटन खाना है ज़रूर आके एक बार ट्राई कीजिए, मज़ा आएगा इस मटन को खा के। तभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं जस्ट मटन प्रिपेयर हुआ है, 11 बज रहा है, ऑलमोस्ट सारे टेबल पे लोग जो है बैठे हुए हैं, लोग पहले से आके लाइन लगाए हुए थे, मतलब वेटिंग में थे कि कब मटन रेडी होगा। हम लास्ट टाइम भी खाए थे, उस टाइम भी हमको मटन अच्छा लगा था, आज भी सेम टेस्ट जो है वो बरकरार है। मटन लगभग पक चुका है, इतना जो जितना भी पका है इसको पका हुआ ही कहेंगे, 1 घंटे के बाद और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। लास्ट बाइट लेते हैं, ख़त्म करते हैं वीडियो, कमेंट कीजिए कभी आके खाएं कि नहीं खाएं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नहीं खाएं पाटलिपुत्र साइड, PNM मॉल साइड मटन खाने का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, आके आप यहाँ ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।